पुष्कर के गौरव जैसी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर ही सैनिटाइज का कैसे निर्माण किया जा सकता है ये बताया है। देखिए आप ब्रह्म पुष्कर न्यूज पर। ऐसे में दो चीजों की WHO ने दो चीजों के बारे में बताया है कि ये दो चीजें आपको हमेशा करनी है। पहला है आपको फेस मास्क, दूसरा है सैनिटाइजर। अब फेस मास्क तो चलिए हम लोग कपड़ा मुंह से ढक के कुछ भी करके कर सकते हैं और फेस मास्क बाजार में अवेलेबल भी है तो मिल जाते हैं, लेकिन सैनिटाइजर जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, आप एक छोटा सा सैनिटाइजर लेके आते हैं तो कुछ समय बाद में वो खत्म हो जाता है, तो वापस सैनिटाइजर मिले ना मिले, तो ऐसे में हम लोग घर पर ही सैनिटाइजर बना सकते हैं। ऐसे सैनिटाइजर्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो चीजें होती है। उन दो चीजों के अंदर सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है रबिंग एल्कोहल, जो कि मेडिकल दुकान पे मिलती है ज्यादातर, जिसको कि हम आम भाषा के अंदर डॉक्टर स्पिरिट कहते हैं, आप देख सकते हैं आराम से। दूसरा आप इसको बेस मटेरियल कहते हैं, बेसिंग मटेरियल कहते हैं, जिसके अंदर हम जनरली जो भी कंपनीज होती है वो एलोवेरा जेल का यूज करती है, तो आप कोई भी एलोवेरा जेल किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आखिर हम लोग बनाते कैसे हैं और इसमें जरूरी क्या क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये हमारे हाथों को साफ कैसे रखेगा। अगर हमारे को हाथ साफ रखने हैं तो हमारे हाथ साफ कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपको रबिंग एल्कोहल का यूज करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज एल्कोहल ही होती है, एल्कोहल ही वो कंपाउंड है जो केमिकल कह सकते हैं या पदार्थ है जो कि हम इस कोरोना वायरस की आउटर लेयर को, जिसे हम नॉर्मल भाषा में इसकी चमड़ी कह सकते हैं, जैसे हमारी चमड़ी होती है वैसे ही कोरोना वायरस की भी चमड़ी होती, चमड़ी जैसी होती है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, उस प्रोटीन की लेयर को खराब करने में एल्कोहल बहुत मददगार होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एल्कोहल होती है जो हमें नॉर्मली केमिस्ट की दवाइयों की दुकान पर मिल जाती है आराम से, 30-35 रुपए की ये बॉटल आती है, 100 ml, जैसा कि इसमें लिखा है 100 ml की ये बॉटल है। हमें इसका 2/3 हिस्सा लेना है। अगर आप इस बॉटल को देखेंगे तो अगर आप इसकी मार्किंग देखेंगे तो आपको लगभग इसके अंदर 2/3 हिस्सा दिख जाएगा। 2/3 हिस्सा दिखने के बाद में आप 2/3 हिस्से को एक किसी भी कटोरी या बर्तन या किसी में भी आप डालना चाहें तो, लेकिन 2/3 हिस्सा इसका लेना है आपको जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपको डाल के दिखा रहा हूं। तो लगभग हमने इसका 2/3 हिस्सा कवर कर लिया है। इसे बंद करके रखते हैं, नहीं तो ये हवा में उड़ जाएगी। इसके बाद में हमको इसका बेस मटेरियल डालना है जो इसे थोड़ा गाढ़ा कर सके, तो उस केस में हम लोग एलोवेरा जेल का यूज करते हैं। सारातर कंपनीज, सभी कंपनीज एलोवेरा जेल का ही यूज करती है। तो अब हमें ऑलमोस्ट ये एलोवेरा जेल उतना ही डालना है जितना हमने ये डाला है, लेकिन अगर आपको उसको पतला रखना है तो आप एलोवेरा जेल कम डालेंगे, अगर आपको गाढ़ा रखना है तो आप एलोवेरा जेल को अपने हिसाब से थोड़ा और ज्यादा ले सकते हैं। मैंने एलोवेरा जेल इसमें डाल लिया है। अब आपको करना यह है कि इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जितना अच्छे से मिक्स होगा आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। एक चीज आपको इसमें और मिक्स करनी है जो कि है ग्लिसरीन। आपको 1 चम्मच से 2 चम्मच ग्लिसरीन भी इसमें ऐड करनी है।
बहुत लोग इसमें इत्र भी डाल सकते हैं, इसेंशियल ऑयल ज्यादातर कंपनियां डालती हैं जिनसे इसमें एक हल्की खुशबू आती है, लेकिन आप चाहें तो इत्र की बोतल भी यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारा मकसद अभी खुशबूदार बनाने का नहीं है, सिर्फ हमारे हाथों की सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए है, तो मैं इसमें ये नहीं डाल रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसे आपको तब तक मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और गाढ़े से मेरा मतलब है कि लगभग शरबत जितना गाढ़ा, जितना हमारा शरबत होता है रूह अफ़ज़ा का या और किसी का शरबत आता है, इतना गाढ़ा ना हो जाए तब तक आपको इसे मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये पहली एक बार में मिक्स होगा नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, समय लेगा ये मिक्स करता है। और इसे जिस भी बर्तन की यूज कर रहे हैं तो चम्मच से उससे दबा दबा के आप उसके गोल गोलों को तोड़ सकते हैं, तो वो पूरा पूरा मिक्स हो जाएगा और आपको एक गाढ़ा लिक्विड मिलेगा। जैसा आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो एक बार अपने बनाए हैंड सैनिटाइजर को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं ये कैसा है क्या है। ऐसे मैं थोड़ा सा इसे हाथों में ले लेता हूँ, आप देखेंगे ये गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड है। इसे पूरे हाथों में अच्छे से मल लीजिए, सतह के ऊपर भी, हाथों के ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी, दोनों जगह अच्छे से मल लीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे ये अपने आप ही गायब हो जाएगा, सूख जाएगा और आपके हाथों में ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसका मतलब है पूरा अल्कोहल सैनिटाइजर अपना काम कर चुका है, अल्कोहल उड़ चुका है और एलोवेरा जेल आपके शरीर में चला जाएगा और आपके हाथ एकदम साफ हो जाएंगे। तो अब बात ये उठती है कि आखिर सैनिटाइजर ही क्यों यूज करना है, साबुन काम क्यों नहीं करती इसमें। तो देखिए ऐसा है कि साबुन इस केस में कुछ हद तक काम कर सकती है, कुछ हद तक काम नहीं भी करेगी, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट तो होता नहीं है, वो सिर्फ हमारी सतह को साफ कर देती है, गंदगी को हटा देती है, मैल को हटा देती है, लेकिन असली काम जो है अल्कोहल का होता है। अल्कोहल क्या करती है, वायरस के दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा और एक अंदरूनी हिस्सा। बाहरी हिस्सा प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन अल्कोहल के प्रेजेंस के अंदर, अल्कोहल जब उस प्रोटीन के संपर्क में आता है तो प्रोटीन अपना शेप चेंज कर लेता है, प्रोटीन टूट जाता है, बिखर जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाता है। तो बाहर का जो हिस्सा है वायरस का, वो अगर नष्ट हो गया तो फिर वायरस निष्क्रिय हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। एक बार जब बाहर का हिस्सा निष्क्रिय हो गया, बाहर का प्रोटीन की लेयर खराब हो गई, तो अंदर का डीएनए कंटेंट किसी काम का नहीं रह जाता है, वो फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। सीधा सीधा कहूँ तो वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगा। देखा जाए तो वायरस ऐसे जीव होते हैं जिन्हें जीवों की कैटेगरी में रखा नहीं जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर ही जिंदा जिंदा किसी जीव की तरह काम करते हैं, नहीं तो ये हमारी बॉडी से बाहर किसी निर्जीव जीव की तरह रहते हैं जो सिर्फ हवा में घूमते रहेंगे इधर-उधर मिट्टी के और अलग पार्टिकल्स की तरह, लेकिन वो हमारी बॉडी में घुसेंगे। घुसने के बाद में वो क्या करेंगे, अपना डीएनए हमारी बॉडी में डालेंगे, हमारे ही संसाधनों को यूज करके अपना डीएनए और अपना प्रोटीन खुद बनाएंगे, हमारा ही सारा खाना पानी सब यूज करके। तो एक बार इनके बाहर की लेयर खराब हो जाती है, प्रोटीन की जो लेयर है, आउटर कवरिंग है, जैसे हमारी अगर चमड़ी खराब हो जाए, हमारी चमड़ी खराब होते ही हम कुछ पल भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, वैसे ही इनके साथ भी होता है। इनकी भी बाहर की प्रोटीन की लेयर है, वो अगर खराब हो गई तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, जल्दी से मर जाएंगे और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाथों पे ही इसका सबसे ज्यादा उपयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि हाथ ही वो चीज है जिससे हम सारा काम करते हैं, हमने ही हाथों से ही सब जगह घूम के आए हैं, सब चीजों को हाथ लगाया है, पैसों को हाथ लगाया है, किसी इंसान से अगर हाथ मिलाए हैं पैसे के, अभी हाथ मिलाने नहीं है आपको, हाथ जोड़ने हैं, हाथ मिलाने नहीं है किसी से भी, लेकिन अगर आपने मिलाए हैं या किसी से संपर्क में आए हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे हाथों पर है, जर्म्स हमारे हाथों पर है। अब वो हाथों पर होने के बाद में अगर आप डायरेक्ट खाना खा लिया या नाक के हाथ लगा लिया या आंख के हाथ लगा दिया तो वो हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। अगर आपने सैनिटाइजर से हाथ धोए तो वे पहले ही मर जाएंगे, उनकी प्रोटीन की लेयर खराब हो जाएगी, कोरा डीएनए किसी काम का नहीं रहेगा, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो आखिर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सैनिटाइजर और फेस मास्क का यूज जरूर करें, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आपको सेफ रखेंगी, बचा के रखेंगी
और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का फॉलोअप करें, क्योंकि वो भी आपके लिए फायदेमंद है। जरूरत हो तो बाहर जाएं, नहीं तो ना जाएं। और घबराएं बिल्कुल नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा ही वायरस है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए मुश्किल होना लाजमी है, तो हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। धन्यवाद।